संत निरंकारी सत्संग भवन की ओर से रेलवे रोड स्थित निरंकारी मिशन के अंतर्गत हर रविवार को धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसके अंतर्गत निरंकारी मिशन से जुड़े संत महात्मा पहुंचकर अपने मुखारविंद से प्रवचनों की अमृत वर्षा करते हैं। इसके अलावा निरंकारी मिशन द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप, सफाई अभियान चलाकर भी समाज सेवा की जाती है। इसी कड़ी में निरंकारी भवन रेलवे रोड में बाल बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों द्वारा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी किया गया और गुरु की महिमा का गुणगान करते हुए गीत प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बच्चों ने पहुंचकर अपनी प्रस्तुति दी। संत निरंकारी मिशन करनाल के संत महात्मा सतीश हंस ने बताया कि मिशन समाज सेवा में जुटा हुआ है, उसी कड़ी में आज बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें अपनी प्रस्तुति देकर बच्चे देश के उज्जवल भविष्य के बारे में नींव तैयार कर पाएंगे। अभी हम मौजूद हैं निरंकारी सत्संग भवन में और हमारे साथ मौजूद है सतीश। सतीश सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी साथ ही प्रोग्राम चल रहा है जिसे बाल समागम के रूप में पूरे विश्व में निरंकारी मिशन द्वारा मनाया जाता है। आध्यात्मिक मिशन है जहाँ बच्चे बाकी अपने जितने भी प्रोग्रेस करते हैं वहीं आध्यात्मिक तौर पर उन्हें माला माल किया जाता है ताकि वो बड़े होकर अच्छे इंसान बन सकें। और यही आप जानते हैं कि बच्चे ही भविष्य है, चाहे वो देश है चाहे मिशन है। तो इन बच्चों को यहाँ आध्यात्मिक तौर पर भक्ति रूप में जब ये शामिल होते हैं, आज जब हम इतिहास में नाम सुनते हैं भक्त ध्रुव का, भक्त प्रहलाद का, तो छोटी आयु में ही उन्होंने भक्ति में नाम कमाया। ऐसे ही ये सभी ब्रांचों से आसपास डिस्ट्रिक्ट करनाल से आए हुए बच्चे अपनी अपनी जगह भक्ति का रूप, कोई गीत रूप में, कोई कविता रूप में, कोई स्किट रूप में, तरह तरह से भक्ति को अंजाम दे रहे हैं। और एक कदम जो समाज के लिए, आने वाले देश के लिए जो है, बच्चे जब अच्छे इंसान बनेंगे तो देश को, समाज को अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे टीचर, अच्छे किसी भी फील्ड में जब अच्छा बच्चा जाएगा, इंसान बनेगा, तो डेफिनेटली उस इंसान के द्वारा जो है वो खुशबू पूरे समाज में, पूरे विश्व में फैलेगी। निरंकारी मिशन ऐसे प्रयास करता रहता है, चाहे वो यंगस्टर के समागम है चाहे महिला समागम है। महिला के उत्थान की बात समाज में की जाती है तो यहाँ पर महिला समागम भी वंस इन ए ईयर जो है वो जोनल लेवल पे होता है, पूरे विश्व में होता है, ये नहीं कि सिर्फ करनाल में। ऐसे ही EMS है, इंग्लिश मीडियम संगत है, उसका हर फील्ड में चौतरफा ये ध्यान रहता है कि आध्यात्मिक तौर पे जहाँ ये आत्मा परमात्मा को मिलके मोक्ष की प्राप्ति करती है, वहीं ये मौका बनता है कि सामाजिक तौर पर भी ऐसा इंसान दिया जाए जो समाज और देश के काम आ सके।